खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। हाल ही में मैं स्पेन गया, मेरी छोटी डॉटर जो है वो एथलेटिक की ट्रेनिंग के लिए वहां जा रही थी। तो स्पेन अगर कोई जा रहा हो तो जिसको भी खाना अच्छा लगता है तो स्पेनिश खाना इतना अच्छा होता है कि कोई भी बहाना मिले स्पेन जरूर चले जाना चाहिए। तो हम पहुंच गए स्पेन। स्पेन में कोस्ता ब्रावा बहुत ही बढ़िया दिखने में जगह, लेकिन उससे भी अच्छा खाना वहाँ का। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया के जो टॉप के 10 रेस्टोरेंट हैं उनमें से 4 स्पेन में हैं। कुछ मैंने भी खाना खा के आया तो मैंने सोचा कि इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाया है तो कुछ सिंपल चीज़ें ऐसी बढ़िया स्पेनिश आपके साथ शेयर करूँ। तो आज पूरा का पूरा खाना स्पेन से स्पेनिश। चलिए, ये जो रेसिपी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, और ये जो डिशेस हैं मिट्टी की ये मैं स्पेन से लेके आया था, और इसमें वहाँ पर तापास भी इसमें सर्व करते हैं, और इसमें एक वो कस्टर्ड बनाते हैं वो भी इसी में बनाते हैं, तो काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए ये जो रेसिपी है ये इसी में बनाएंगे हम। चलिए, ये जो है मशरूम मैं ले रहा हूँ, बटन मशरूम, और ये जो मशरूम है ये ले लेते हैं। ये ले लिए मशरूम, और इसमें मुझे चाहिए गार्लिक जो बड़े पीसेज हैं थोड़े से क्रश किए हुए। तो ये गार्लिक हल्का सा क्रश किया हुआ, तो ये इसके अंदर, ये गार्लिक, थोड़ा पार्सले, ये पार्सले लीव्स, ये भी इसके अंदर। उसके साथ साथ इसमें नमक, ये नमक, और कुछ काली मिर्च। इसी तरह से इसमें पाइन नट्स, चिलगोजे, और फिर इसके अंदर हमें डालना है ये मेरे पास वाइट वाइन अगर आपके पास है तो, और इसमें ढेर सारा ऑलिव ऑयल। ये देखिए, सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और अगर आपके पास वाइट वाइन नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर नींबू का रस डालें उस केस में। इसके बाद ये जो डिश है इसके अंदर डाल दें ये लीजिए। जो स्पेन में लोग खाना खाते हैं उसमें टमाटर, उसके साथ साथ गार्लिक बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वहाँ पर वैसे तो नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ की एक तरह से नेशनल डिश है पाइया, जैसे हमारी कुछ बिरयानी सी होती है वैसी ही है। बनाएंगे, वो भी बनाएंगे आज के एपिसोड में, और एक कुछ मीठा भी बनाएंगे जिसका नाम है क्रेमा कतलाना। तो अभी ये जो मशरूम है इसे पकाना है। अवन प्री हीटेड, इसको इस तरह से लिया, और फिर ये जो डिश है इसको रख दिया इसके अंदर। और इसको ढककर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से करीब 12 से 15 मिनट तक तेज़ अवन में इसको पकने दें। आप देखेंगे ये जो मशरूम है ये पकने शुरू हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर निकलेगा, और ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये एकदम गर्म हो जाएंगे। तो निकालते समय ध्यान से निकालें, लेकिन इसको सर्व ऐसे ही करें। इसके साथ में लें गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड, और उसके साथ में इसका मज़ा लें। नोट करें इसके इन्ग्रीडियंट्स, उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 20 मशरूम कटे हुए, 20 लहसुन की कलियां पिसी हुई, 1 बड़ा चम्मच पार्सले कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 20 काली मिर्चें कुटी हुई, 2 बड़े चम्मच पाइन नट्स यानी चिलगोजे, 2 बड़े चम्मच व्हाइट वाइन, और 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। इसे बनाने के लिए एक बोल के अंदर मशरूम, लहसुन, पार्सले, नमक, कुटी काली मिर्चें, चिलगोजे, व्हाइट वाइन और ऑलिव ऑयल डालकर मिलाएं, और उसके बाद इसे किसी अवन प्रूफ डिश में डालें, और प्रीहीटेड अवन में 280 डिग्री सेल्सियस पर करीब 15 मिनट तक पकाएं, और इसे गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें।